ईश्वर जब भाग्य दे रहा होता है तो कवि सम्मेलन में अध्यक्षीय काव्य पाठ सुनने का भाग्य अलग से देता है। आप उस भाग्य को वर्णन करने वाले परम भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आप डॉक्टर निशीत श्रीवास्तव, दादा निशीत श्रीवास्तव को सुन रहे हैं। वे व्यंग्य के इतने बड़े हस्ताक्षर हैं कि उनके विषय में भूमिकाएं बनाना, उनके विषय में कुछ कह पाना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं उनके विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप उन्हें पूरे मन से सुनेंगे तो आपके मन में, चेतना में आपकी कहीं एक ऐसा प्रश्न जो आपके मन का लगेगा वो जागृत होगा और आप सत्ता से सीधी बात करने के चुटिले अंदाज को महसूस कर पाएंगे। आप महसूस कर पाएंगे कि कविता में कितने सलीके से, कितने प्यार से, कितने आदर से, कितने सम्मान के साथ में किसी को एक अच्छा आईना दिखाया जा सकता है। वे इतने बड़े हैं कि उनके विषय में अगर मैं अपनी किन्हीं चार पंक्तियों को बोलूं तो भी वह अतिशयोक्ति होगी। मैं उनके विषय में बस इतना ही कहूंगा कि आपका भाग्य आज कविता सुनने के मामले में सर्वाधिक चरमोत्कर्ष पे है कि आप दादा निशीत श्रीवास्तव को सुन पा रहे हैं। आप अगर अब यहां से उठ के चले जाते हैं तो यह आपका दुर्भाग्य होगा। आप अगर उन्हें सुन लेते हैं तो यह आपकी चेतना में आज एक नया पृष्ठ जुड़ने जा रहा है कि आपने अपनी चेतना को आज प्रज्वलित कर लिया। आप कविता के एक महापंडित को सुनने जा रहे हैं। मैं कोई भूमिका उनके विषय में नहीं बनाऊंगा, बस आपसे आग्रह करूंगा कि जब वे मंच पे आए तो आपकी तालियां उनके खड़े होने तक बजती रहें। जब वे माइक पे हों तो आपके कान, आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें उनको देख रही हूँ, उनको सुन रही हूँ, उनको गुन रही हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा काव्य पाठ होने जा रहा है। वे 5-10-15 मिनट 20 मिनट आपके बीच होंगे। यह 10-15 मिनट 20 मिनट आप आजीवन नहीं भूल पाएंगे। यह 10-15 मिनट 20 मिनट आपकी संजीदगी को और गहरा कर देंगे। मैं भूमिका को बहुत ज्यादा संजीदा कर रहा हूं, क्या पता वे बहुत चुटीला पढ़ें। मैं भूमिका को अगर चुटीला कर दूं तो क्या पता वे बहुत संजीदा पढ़ें। मैं इसलिए बहुत खलल नहीं डालना चाहता। मैं मंच के एक जादूगर को आपको दे रहा हूं जिसने मंच छोड़ दिए थे। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे आमंत्रण पे वे आते हैं। देश के किसी भी संयोजक में इतनी क्षमता नहीं है कि उन्हें कितने भी रुपए दे करके मंच पे चढ़ा दे। ये मेरे भाग्य की बात है, ये आपके भाग्य की बात है कि आप निशीत श्रीवास्तव को दोबारा मंच पे सुन रहे हैं। इस बात का गुमान विनय प्रकाश मिश्रा को है, रहेगा और हमेशा। आपकी जमानत पे कह रहा हूं कि आप इस गुमान को बरकरार रखेंगे। आप मुझे इतना बल दीजिए कि वे मेरे आग्रह पे हमेशा आ पाएं। इसलिए उनके स्वागत में अब तक की कवि सम्मेलन की सबसे घनीभूत तालियां बजाइएगा। जितनी कुर्सी खाली है वो सब जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद। आप सबसे एक ही अनुरोध है कि विनय, बहुत देर से आप सबका मनोरंजन कर रहा था, अभी जितना बोला है उसको सब मनोरंजन का ही हिस्सा मानिएगा। ये लफाजी करने का एक्सपर्ट है, इसकी बातों को कृपया गंभीरता से ना लें। किसी विद्यालय में कविता का आयोजन, बड़ी विगत दिनों की बात लगती है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी एक डिग्री कॉलेज में कविता को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी का आभार। और मंचों से हम कवियों की ओर से एक आश्वासन है कि आप जब भी बुलाएंगे हम निस्संदेह आएंगे। और दो चीज़ों का जिक्र ज़रूर करेंगे। अभी मैं कल परसों फेसबुक पे कुछ खोल रहा था, अचानक से मुझे यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का एक पोस्ट दिख गई। उसमें एक पोस्टर पड़ा हुआ है और लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट द पोएटिक टैलेंट ऑफ अवर कॉलेज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी परफॉर्मिंग द इवेंट्स।
बहुत अच्छा लगा कि लिटरली और वहाँ के स्टूडेंट्स में पोएटिक टैलेंट पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ के शिक्षक खुद इतने मूर्धन्य कवि हों। आप दोनों को सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इन बच्चों को मार्गदर्शन के लिए तो आप लोग स्वयं ही पर्याप्त हैं। लेकिन कविता का महत्ता क्या है? एक छोटी सी रचना एक बहुत बड़ा नाम होते हैं मूर्धन्य साहित्यकार अपने युग के, सुदामा पांडे धूमिल जी, उन्होंने कविता की एक बहुत छोटी सी व्याख्या दी है, वो जरूर सुन लीजिएगा। उसके बाद दो छोटी छोटी रचनाएं सुनाकर मैं विश्राम लूँगा। कि कविता क्या है, धूमिल जी कहते हैं कि कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पैजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो मनोरंजन के इतर कविता का जो सार्थक अभिप्राय है वो यहीं पे है। एक छोटी सी रचना मुझे लग रहा है आप लोगों को सुना देते हैं, और विद्यालय का मंच से बढ़िया इसका श्रोता मुझे कहीं नहीं मिल सकता, मुझे विश्वास है। आज हमारी स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो रही हैं, हर कोई परेशान दिखता है। तमाम अभी योगेश जी ने भी अपनी रचनाओं में तमाम सारी जो आज के कटु सत्य हैं, भ्रष्टाचार, मक्कारी, लाचारी, सारा उद्घृत किया। तो बस मैं इसके मूल में गया कि ऐसा है क्यों, क्यों हर आदमी परेशान दिखाई देता है तमाम सारी हमारी संपन्नताओं के बाद भी। तो लगा कि निचोड़ आया कि हमने अपना नैतिक चरित्र खो दिया है। हमसे अभिप्राय हम आप ही नहीं, पूरे समाज की स्थिति वही है। और उस नैतिक चरित्र का जो गिरावट आई है वो हमारी समस्याओं के बहुत मूल जड़ में है। बस उससे एक संबंधित छोटी सी रचना दो मिनट की, उसको सुन लीजिए। कि नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, मैं व्यंग का कवि हूँ, थोड़ा सा उल्टे ढंग से कहने की बात कोशिश करता हूँ। कि नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, हमने अपने बच्चों को किताब ही नहीं पढ़ा दी। नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, हमने अपने बच्चों को किताब ही नहीं पढ़ाई। पढ़ाते तो इन्हें क्या बनाते, पढ़ाते तो इन्हें क्या बनाते, गांधी नेहरू और सुभाष, और बदले में दिलाते गोली गाली और संन्यास। ये बेचारे और बदले में दिलाते गोली गाली और संन्यास, ये बेचारे आदर्शों के गगन तले अरमानों की लाश ढोते, अंधेरे की फसल काटते चाहे कितने ही सूरज बोते। ये बेचारे आदर्शों के गगन तले अरमानों की लाश ढोते, अंधेरे की फसल काटते चाहे कितने ही सूरज बोते। अभिमन्यु की तरह छले जाते या भीष्म की तरह रोते, धृतराष्ट्रीय कामनाओं के आगे रोज ही नतमस्तक होते। सब्र के निवाले खाते, बेबसी के घूंट पीते, सीता की तरह विवश रहते या राधा का विरह जीते। डाल से तोड़कर लोग इन्हें गुलदस्ते में सजाते, ये अपनी मृत्यु से पहले ही मर जाते। डाल से तोड़कर लोग इन्हें गुलदस्ते में सजाते, ये अपनी मृत्यु से पहले ही मर जाते। हमने इन्हें ये युगबोध कराया है, इसलिए नैतिकता का नाम तक नहीं बताया है। हमने इन्हें युगबोध कराया है, इसलिए नैतिकता का नाम तक नहीं बताया है। इन्हें पढ़ाया है स्विस बैंक, गोल्ड बॉन्ड, सोने चांदी के अंबार, एयर कंडीशनर, बंगले और कार, और इन्हें पाने को रिश्वत, घोटाले और व्यभिचार, नायकों के गिरगिटी चरित्र, कांचनी रूपसियों के नगरी चित्र, यूरिया से लेकर चारा तक पचाने की कला, यूरिया से लेकर चारा तक पचाने की कला। अपनी दिवाली जगमगाओ, क्या हुआ जो पड़ोसी का घर जला, क्या हुआ जो पड़ोसी का घर जला। शेयर से लेकर तोपों तक की दलाली, पर आपसी सहयोगों ने बुरी से बुरी घड़ी टाली। इससे बढ़िया सहयोग का, आपसी सहयोग का उदाहरण कोई नहीं देश में।
कि शेयर से लेकर तोपों तक की दलाली पर आपसी सहयोगों ने बुरी से बुरी घड़ी टाली। अनशन प्रदर्शन चंदा और हड़ताल भाषण आश्वासन झूठ और गोलमाल तुम्हारी शिक्षा पर हुए खर्च को बच्चों करना है अब हलाल। नेता बनो गद्दार बनो या बनो दलाल समय की गति पहचानो समय की गति पहचानो राष्ट्र का चरित्र जानो और रहो खुशहाल। पर यह संभव होगा तभी जब भूले से भी मत कहोगे कभी जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरीयसी।